ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जय माता दी। दोस्तों, आज हम कार्तिक मास की कथा का 34वां अध्याय कथा सुनेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले बता दूं, जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। इस चैनल पे आपको हर तरह की पूजा पाठ की वीडियो, शास्त्र पुराण ज्ञान की बातें मिलेगी। जिसे देखने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। आगे आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए आज हम कार्तिक मास की कथा का 34वां अध्याय कथा सुनते हैं। हे सूत जी, पीपल का पेड़ शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब श्री लक्ष्मी जी से विवाह के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बहन ब्याह कर नहीं जाती, आप मुझसे छोटी बहन से ब्याह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का ब्याह करा दीजिए, बाद में मुझसे ब्याह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का ब्याह उदालक ऋषि के साथ कर दिया। वह अलक्ष्मी बहुत कुरूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उदालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे ब्याह कर तो लिए, उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित, हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उदालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह आस्थान मेरे लिए योग्य नहीं है, इसलिए तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उदालक ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती, और तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह और कौन सी है, यह मुझको बतला। को सुनकर अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्यार से रहते हो, पितरों को नियमित यज्ञ देते हो, देवताओं का प्रतिदिन पूजन करते हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर दिन रात पति पत्नी लड़ते झगड़ते हो, और जहाँ अतिथियों का अनादर होता हो, अतिथि लौट जाते हो, जहाँ पर पूज्य वृद्धों को दंड दिया जाता हो, सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर किया जाता हो, और जहाँ दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हों, जहाँ पर गौओं का वध होता हो, मद्यपान, ब्रह्मा हत्या आदि पाप होते हैं, वहाँ पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर उदालक का मन मलिन हो गया। वह इस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान मैं खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए स्थान ढूंढ कर ना आऊं, तब तक तुम इस पीपल के नीचे चुपचाप से बैठी रहो। सूत जी ने कहा, महर्षि उदालक उसे पीपल के नीचे बैठाकर उसके रहने योग्य जगह ढूंढने के लिए चले गए, लेकिन जब तक वह बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरा हाल हो गया। रो रो कर लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में भी सुना तो वह व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी बहन बहु अलक्ष्मी बहुत रो रही है, पति ने त्याग कर दिया, अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास मुझे लेकर चलिए। पत्नी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए, जहाँ पर बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश हैं, इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी जी उन पर हमेशा प्रसन्न होंगी।
सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुमको सुना दिया है, जिसके सुनने से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तुमको जो पूछना हो पूछ सकते हो, उसे मैं विस्तार से कहूँगा। सूत जी की बात सुनकर शौनकादिक ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित से वहाँ बैठे रहे। बाद में वह श्री बद्री नारायण जी के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।